सो गाइस, सेफ्टी किसको पसंद नहीं है और लोग चाहते हैं कि उनके लव वन सेफ रहे, तो सबसे पहले हमें सिक्योर करना होगा हमारा घर जो कि होम। तो इसलिए एयरटेल एक्स सेफ लेके आया है होम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आप सभी के लिए। और ये ऑलमोस्ट एक साल से चल रहा है आपका एयरटेल एक्स सेफ, बट अब जाके पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुंच चुका है एंड काफी सिटीज में आ चुका है। सो इसलिए हम बात करते हैं इसके बारे में और आपको बताता हूँ कैसे कैसे कैमराज वगैरह क्या क्या सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं इनके, सब कुछ आपसे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो नीचे बटन दिख रहा है ना, लाल सफेद हरा जो भी कलर का है, उसको दबा दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छे लगे। तो अभी चलिए चलते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि एयरटेल एक्स सेफ नाम से एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि आपका एयरटेल की तरफ से है, जो कि वी जियो ऐसा कुछ घुसा नहीं है अभी तक। एयरटेल कुछ नया ट्राई कर रहा है, आपका सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लेके आ रहा है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सो उसके हिसाब से एयरटेल ने कुछ नया एक्स सेफ नाम से लॉन्च किया है और ऑलमोस्ट एक साल हो गया है अब सबके लिए अवेलेबल है। तो सब लोग मतलब जानना चाह रहे हैं कि है क्या ये प्रोग्राम, क्या नहीं। सो मैंने इसलिए पुष्पम यादव जी को याद किया कि भाई इंजीनियर है हमारे एयरटेल के, तो हमें बताइए क्या है एयरटेल एक्स सेफ। तो हमारे लिए वो तीन तरीके के जो उनके कैमराज हैं वो लेके आ गए हैं और वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा कैसे क्या है एयरटेल एक्स सेफ। सर हमारे तीन कैमरे हैं, एक तो आपका स्टिकी कैमरा आ जाएगा 360 कैमरा और ये एक्टिव डिफेंस कैमरा। ठीक है सर, जैसे ये एक्टिव डिफेंस कैमरा है ये आपका वेदर प्रूफ डस्ट प्रूफ है। हाँ, ये आउटडोर के लिए है कैमरा, तो इसको हम लगाते हैं बाहर आउटडोर के लिए। तो ये आपका वेदर प्रूफ डस्ट प्रूफ है, ये कलर नाइट विजन में है आपका। अच्छा जी सर, इसमें स्पॉट लाइट है पावरफुल। ओके, तो आपका नाइट में भी ये कलरफुल वीडियो देगा। ओ तो लाइट पूरे टाइम जलेगी कि नहीं? सर वो मोशन के हिसाब से रहेगा। अगर आप चाहते हो आपको नाइट में अगर लाइट चाहिए तो आप मोशन स्मार्ट पे सेलेक्ट कर सकते हो, आप कलर पे सेलेक्ट कर सकते हो और ब्लैक एंड वाइट पे। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अगर आप ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करते हो तो आपका ये जिस टाइम रोशनी होगी वहाँ पर तो कलर में रिकॉर्ड करेगा, अगर रोशनी नहीं होगी तो ब्लैक एंड वाइट में रिकॉर्ड करेगा। अच्छा ठीक, अगर आप कलर में करते हो तो कंटिन्यू आपका कलर में रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, और स्मार्ट पे करते हो, स्मार्ट पे कैमरा डिपेंड करेगा, अगर कैमरे को लग रहा है वहाँ पे प्रॉपर लाइट है तो कलर में करेगा, अगर लाइट नहीं है रोशनी नहीं है तो अपनी स्पॉट लाइट जलाएगा। अच्छा, ताकि जो स्पॉट लाइट है वो 12 मीटर तक आपको कलर में रिकॉर्डिंग करके देगा। अच्छा बढ़िया, और दिन में आपका ये 30 मीटर तक। अच्छा 30 मीटर तक आपका क्लियर व्यू आएगा। ओके नाइस, ये रहा सर आपका आउटडोर कैमरा एक्टिव डिफेंस। अच्छा नाइस, उसके बाद इनडोर में आ जाते हैं सर, जैसे ये स्टिकी कैमरा है हमारा। हाँ, ये आपका नाइट विजन है इस कैमरे में, तो आपको ये इंडोर में लगाने के लिए आप इसको आप किड्स रूम में लगा सकते हो, किचन में लगा सकते हो और कहीं पर रूम में भी लगा सकते हो आप। प्रॉपर आपका टू वे कम्युनिकेशन मिलेगा कैमरे में। अच्छा, ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड करेगा। ओके, और उसके बाद में आपका इसमें पिक्चर क्वालिटी जो रहेगी 2 मेगापिक्सल फुल HD रहेगा। अच्छा, वाइड एंगल रहेगा 130 डिग्री वाइड एंगल रहेगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं पर भी एक रूम में अगर लगा दो तो क्लियर पूरा रूम का आपका पूरा व्यू आ जाएगा। ओके, और आपका क्या बोलते हैं मेमोरी कार्ड ये सब लगता है इसमें क्या है? नहीं सर, जो डाटा रहेगा आपका वो क्लाउड बेसिस पे है। अच्छा, इसमें आपका आ जाएगा सर 360 कैमरा। ठीक है, ये इनडोर में हम जैसे पर कहीं पर बड़ा लिविंग एरिया में यूज कर सकते हैं, किड्स रूम में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपका इसका वाइड एंगल रहेगा 130 डिग्री 2 मेगापिक्सल फुल HD रहेगा आपका। अच्छा, नाइट विजन इसमें भी है आपका है। अच्छा, टू वे कम्युनिकेशन आपका जो दो कैमरा है इनडोर, इनमें टू वे कम्युनिकेशन का भी मिलेगा आपका। अच्छा, मान लो अगर हाँ आप ऐप में जैसे अभी हम आपको चला के दिखाएंगे तो ये आप ऐप अगर आपने ऑन किया है, आप कहीं ऑफिस में हो, घर पे कैमरा लगा है, अगर कोई पर्सन कैमरे के पास आ रहा है, आपके पास ऑप्शन रहेगा नोटिफिकेशन का। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हो पर्सन का, जिस समय पर्सन आएगा डिटेक्ट करेगा ये, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चाहोगे कौन आएगा वहाँ पर्सन, नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको सीधा ऐप ये ओपन करेगा। अच्छा, ऐप में जाकर के अगर आपका इंडोर वाला कैमरा है तो वहाँ पे आपका माइक का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, तो माइक पे आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे बोल सकते हो हाँ जी आप कौन हो, तो वहाँ से जो आप बोलोगे तो आपकी आवाज कैमरे पे आएगी। अच्छा, तो कैमरे से आवाज निकलेगी, जो पर्सन सामने होगा तो वो बोलेगा तो आपके मोबाइल पे आवाज जाएगी, चाहे आप यहाँ पे दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, नोएडा, फरीदाबाद, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी हो। और ये सारे वाईफाई से कनेक्ट होते हैं? जी सर बिल्कुल वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तीनों सारे। अच्छा, वायरलेस कैमरे वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। ओके, और मैं जैसे कैसे क्या होगा इसमें, प्लान कैसे लेना पड़ेगा और कैसे कितने कैमरा लगवा सकता हूँ मैं? सर कैमरा आपके अकॉर्डिंग है, आप कैमरा अनलिमिटेड लगवा सकते हो, इसमें ऐसे कोई नहीं है कि आपका। अच्छा, कोई DVR का सिस्टम है। हाँ, आपका एक सिंगल कैमरा भी लगा सकते हो। हाँ, एक कैमरा आपके मोबाइल पे चलेगा, आप उसी पे एड ऑन कितने भी कर सकते हो, अनलिमिटेड एड ऑन कर सकते हो। अच्छा
ठीक है, और वो आपके स्क्रीन पे ही दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप मोबाइल पे, आपके पास मोबाइल है और एक पर्सन है, एक और पर्सन है, तीन मोबाइल पे आप लाइव व्यू देख सकते हो। अच्छा, अनलिमिटेड पे आपकी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, अनलिमिटेड पे आप लॉगिन करके एक समय पे आप तीन लोग लाइव देख सकते हो। तीन में से अगर कोई एक पर्सन रिमूव होता है, मोबाइल आपका ऑफ करता है, क्लोज करता है, तो आपका चौथा पर्सन भी लाइव देख सकता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपके अनलिमिटेड, जितने पर्सन को आप लॉगिन दोगे, एक्सेस दोगे, आप वो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और अब प्लान का बताइए, कैसे क्या होगा? प्लान का रहेगा सर, जैसे कि अगर आप प्लान सेलेक्ट करते हो तो आप एयरली प्लान आएगा, आपका मंथली प्लान आएगा। अगर अभी आप रिसेंटली में एयरली प्लान लेते हो तो आपका कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है। अच्छा, विजिट का कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, तो आपका एक साल तक के कैमरे की वारंटी रहेगी। हाँ, और वन ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका अगर आप लेते हो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, वन मंथ का कुछ फ्री है ना? हाँ, मंथली, जैसे अगर आप फर्स्ट कैमरा सब्सक्रिप्शन लेते हो आप, हाँ, एक कैमरे को वन मंथ का क्लाउड का आपका सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा, अच्छा। मान लो आप एयरली लेते हो तो आपका 12 मंथ का रहेगा। हाँ, प्लस एक महीने का और आपको कंपनी देती है तो 13 महीने का सब्सक्रिप्शन रहेगा फर्स्ट कैमरे पे। अच्छा, अगर मान लो आप तीन कैमरा चार कैमरा लेते हो तो आपका डिवाइड डेट आ जाएगी तीनों के इकट्ठा। और ये आपका जो देखना है, ये सिर्फ मोबाइल में देख सकते हैं या कंप्यूटर में भी देख सकते हैं? बिल्कुल मोबाइल पे रहेगा आपका, एंड्रॉइड और iOS पे। अच्छा, दो पे मिलेगा, कंप्यूटर पे नहीं देख सकते? नहीं सर, कंप्यूटर अच्छा, पे नहीं चलेगा ये। अच्छा, मोबाइल पे है। आने वाले समय में हमारी कंपनी काम कर रही है इस पे, तो आपके एंड्रॉइड टीवी पर आएगा। उस समय जब आएगा तो जो हमारे कस्टमर है तो उनको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आप मोबाइल पे टीवी पर भी देख सकते हैं। और मैं जैसे अगर बात करूं कि मेरे को जैसे एक कैमरा लगाना है, दो कैमरा लगाना है, तो किस तरह से कितना पैसा देना पड़ेगा मेरे को महीने का हिसाब से? महीने के हिसाब से नहीं, जब वो महीने के हिसाब से अगर सिलेक्ट करते हो सर तो महीने के हिसाब से हो जाएगा। अगर आप एयरली सिलेक्ट करते हो तो एयरली हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो दोनों एक बार बता दीजिए कैसे क्या है। मंथली अगर आप सिलेक्ट करते हो सर तो आपका ये 999 मंथली में आपका आएगा, 99 प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी, तो आपका 119 रुपए पड़ेगा। ये क्या चीज का है? ये सिर्फ प्लान का है? ये सर आपका क्लाउड का है। क्लाउड का है, तो इसमें कैमरा वैमरा कुछ नहीं है? नहीं, उसमें कैमरा नहीं है आपका इंक्लूडेड। कैमरे के चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये स्टिकी कैमरा आ जाएगा 2499 का। ठीक है, 2499 का स्टिकी कैमरा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये 360 आ जाएगा। ठीक है, 2999 का, 2999 का ये है। ये आपका एक्टिव डिफेंस आ जाएगा 4499 का, 4499 का। तो मतलब ये मैंने खरीद लिए जी, ये पैसे देने के बाद जी। ठीक है, इसके साथ में जैसे हम आपको, आप एक कैमरा या दो कैमरा तीनों कैमरा सेलेक्ट करते हैं, हाँ, तो इसका एक हम जा करके कोई इंजीनियर अगर आप विजिट कराते हो, हाँ, तो वहाँ पर जा करके एक बार फिजिबिलिटी चेक करेगा सर आप कहाँ पे लगाना चाह रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपका पावर पॉइंट देखेगा एक बार इंजीनियर, पावर पॉइंट देख करके आपको वाईफाई वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। वाईफाई आपका एयरटेल का हो, जियो का हो, टाटा का, कोई सा भी हो, एक वाईफाई होगा, क्योंकि आपके वायरलेस हैं कैमरे, वाईफाई से कनेक्ट होकर चले। ठीक है, बढ़िया है। और जैसा आप बता रहे थे इसमें वाईफाई नहीं आता तो आपके पास ईथरनेट का है? हाँ जी, ईथरनेट का ऑप्शन है। अगर आपके पास आउटडोर में आप लगा रहे हो वहाँ पे वाईफाई की स्पीड नहीं पहुँच रही है, हाँ, तो ईथरनेट का भी ऑप्शन है, ईथरनेट के थ्रू। तो ये तार भी आप लगा के देंगे ईथरनेट की? नहीं सर, ईथरनेट की तार आपको लगवानी होगी, लगवानी पड़ेगी, क्योंकि वायरलेस कैमरे अगर वहाँ पे वाईफाई पहुँच रहे तो हम साथ ही साथ इंस्टॉल कर देते हैं। अगर वाईफाई नहीं पहुँच रहा है तो आपको तार डलवानी है। अगर एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो तो फिर ईथरनेट के थ्रू आप लगा सकते। तो अगर मैं जैसे आपका, मेरे को कितना खर्चा पड़ जाएगा? एक बारी का मेरा कैमरे का खर्चा है, हाँ जी, उसके बाद सिर्फ क्लाउड का है? हाँ जी, फिर क्लाउड का रहेगा आपका। और मैं अगर अगला कैमरा और बढ़ाऊं तो कुछ इंस्टॉलेशन का लगता है मैंने सुना है? नहीं सर, इंस्टॉलेशन का नहीं लगेगा, आपका प्लान का रहेगा बस, सिर्फ एड ऑन के लिए। अगर मान लेता हूँ जैसे कि हर कैमरा इंस्टॉलेशन पे, कुछ मैंने सुना था कि इंस्टॉलेशन का भी चार्ज लगता है। जैसे मैंने तीन लगवा लिए, एक महीना हो गया, फिर मेरा मन किया एक और लगवाना है, तो उसका इंस्टॉलेशन चार्ज? अगर आप एयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? वो आपका डिपेंड करेगा। जैसे कि हम अभी तीनों कैमरे का आपका प्राइस बता देते हैं, ये हम सिलेक्ट किया तीनों कैमरे। ठीक है, इस पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, अगर हम मंथली पे सिलेक्ट करते हैं इसमें आपका मंथली का आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम एयरली सिलेक्ट कर देंगे तो फिर एयरली का आ जाएगा। ठीक, तो कैमरे का आपका प्राइस पड़ेगा तीनों का 9,997 रुपए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपका रहेगा 2,397 रुपए। ठीक है, बाकी इंस्टॉलेशन आपका फ्री आ रहा है यहाँ पे, और डिलीवरी आपका फ्री आ रहा है। ये आपका वन ईयर के लिए क्लाउड का सब्सक्रिप्शन रहेगा, जो आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा। ये तीन कैमरे का मिला के कितना हो गया हमारे पास? 12,394 रुपए। तो मतलब 1,000 महीने के हिसाब से आप लगा लीजिए, एक साल का आपका सिक्योरिटी का सलूशन का खत्म तीन कैमरे के साथ। और कोई इसमें मेंटेनेंस कुछ खराब हो जाए या कुछ? नहीं, कोई मेंटेनेंस का नहीं। अगर मेंटेनेंस का होता तो सर कॉल सेंटर का नंबर है ये। अच्छा, कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
सपोर्ट मिलेगा। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आ रही है तो हाँ। आप कॉल सेंटर के नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी जो सर्विस इंजीनियर आएगा हाँ। उसका भी नंबर रहेगा आपके पास, अगर उसको आप कॉन्टेक्ट करते हो, वो अगर आपके पास है नियर बाय में एरिया में तो आकर के आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व करेगा। मान लो अगर वो नहीं है तो आपके पास कस्टमर केयर पे आप कॉल कर दोगे तो नज़दीक में जो भी लड़का है वो आकर के आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व करेगा। और कोई विजिट चार्जेस नहीं है? नहीं, 1 ईयर तक का कोई विजिट चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैं अगर फिर अगले साल भी मैं 1 ईयर ले लूँगा तो उसके बाद भी फिर मेरे को चार्जेस नहीं देने ना? जी बिल्कुल। और मेरा जैसे मन किया मेरे को पसंद नहीं आया हटवाना है, तो कैमरे का पैसा का क्या होगा फिर? तो रिफंड का तो सर अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि कैमरा आप परचेज कर लेते हो। हाँ, वो तो मैंने खरीद लिया एक तरह से। हाँ, तो पुष्पम जी, अगर जैसे मेरे को जानना है कि अच्छा मेरे को ये एरिया सिक्योर करना है, तो आप बता देंगे मेरे को कितने कैमरा कहाँ लगेंगे और कैसे क्या होगा? जी सर बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग जैसे आप बताते होगे कि आप प्री विजिट आएगी आपकी, ठीक है, आपको बताओगे कि मुझे ये वाला एरिया कवर करना है, तो सबसे पहले वहाँ पर आकर के एरिया आपका चेक करेंगे। वहाँ पर कितने कैमरे लगेंगे? आपका एचडी कैमरा लगेगा वहाँ पे, 360 लगेगा, आउटडोर होगा तो हम एक्टिव डिफेंस सेलेक्ट करेंगे आपके लिए, जो भी बेस्ट से बेस्ट आपको क्वालिटी मिलेगी और एरिया कवर हो पाएगा जितना आपका, ठीक है, वो आपका सजेस्ट करेंगे सर आप ये वाला कैमरा अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल कराते हो तो ये बेस्ट आपको यहाँ पे व्यू मिलेगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे सर, अगर हम कैमरे को इस साइड में यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कैमरे को एक पावर पॉइंट के लिए जरूरत होगा। अच्छा, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे सर यहाँ पे पावर पॉइंट अगर नजदीक में जो नियर बाय पावर पॉइंट होता है तो वहाँ पर हम पावर पॉइंट को बताते हैं सर यहाँ से एक पावर पॉइंट जाएगा, आपका कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ये वायर आएगी, वो सब आप खुद करेंगे? जी बिल्कुल, वो खुद करेंगे, हम आपसे परमिशन लेंगे कि सर ये पॉइंट मुझे यहाँ से चाहिए पावर इलेक्ट्रिसिटी, हाँ। वो इंटरप्टेड हम बोर्ड खोल करके प्रॉपर इंस्टॉलेशन, वो परमानेंट रहेगा पूरा? जी बिल्कुल। हाँ। आपका एक्टिव डिफेंस के लिए भी वही आपका वायरिंग जाएगी प्रॉपर? हाँ, सेम रहेगा वही सर कि एक्टिव डिफेंस अगर जैसे हम लगाते हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा, हम बाहर के लिए चेक कर लेंगे, हमारे पास वाईफाई स्पीड का जो चाहिए 65 dBm माइनस सिग्नल चाहिए होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर सिग्नल चेक कर लेते हैं वाईफाई की स्पीड अगर प्रॉपर आ रही है तो आपका अगर जो आप एरिया बताते हो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कैमरा लगेगा तो यहाँ से व्यू एरिया मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा जितना आप बता रहे हो। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे नियर बाय में जो पावर पॉइंट होता है बताते हैं सर यहाँ से पावर जाएगा इसके कैमरे के लिए और यहाँ पे आपका कैमरा इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड प्रॉपर आ रही है। अच्छा। नहीं आ रही स्पीड तो आपको बताएंगे सर यहाँ पे स्पीड नहीं आ रही, आप राउटर एक्सचेंज करा सकते हो या फिर मैच लगा सकते हो एयरटेल का स्टैंडर्ड में, या फिर इसमें एथरनेट का वायर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो काफी अच्छा आप करा सकते हैं। इसमें भी मैंने देखा इथरनेट का है। जी बिल्कुल, इसमें भी एथरनेट। अच्छा, इसमें भी इथरनेट का ऑप्शन, दोनों में आपका एक्टिव डिफेंस और 360 कैमरे में ठीक है मिल जाएगा। और आप सायरन का थोड़ा बताएंगे, सायरन और स्पॉटलाइट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जी सर, स्पॉटलाइट इसमें मोशन के अकॉर्डिंग रहेगा, अगर आप स्पॉटलाइट स्मार्ट मोशन पे आप करते हो तो जैसे मेरे को है कि रात को मैंने लगा दिया तो मेरे को लगा जैसे मेरे को वहाँ पे कुछ हिलना नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ है कि एक्टिव मतलब कुछ लगा दिया हमने जैसे कोई आएगा लाइट जल जाएगी और वो बंदा डर जाए? वही रहेगा आपका स्मार्ट मोशन पे आप रखते हो इसको, वहाँ पे रहेगा जिस समय इसकी मोशन एरिया में इसका वाइड एंगल 130 डिग्री रहेगा, इसके व्यूइंग एरिया में कोई भी पर्सन आएगा आपका तो आपके पास ऑप्शन भी रहेगा, आप पर्सन पे सिलेक्ट करोगे या फिर मोशन पे। अच्छा, मोशन पे आप सिलेक्ट करते हो तो कुछ भी आपका पेड़ का पत्ता भी गिरेगा उसको भी आपका पकड़ेगा, आप पर्सन पे रखते हो तो कोई भी पर्सन आता है आपका पर्सन में आपका स्पॉट लाइट जलाएगा, नाइट में अगर अंधेरा है वहाँ पे तो प्रॉपर स्पॉट लाइट जलाएगा, आपको कलर में वीडियो रिकॉर्ड करके देगा, वो बंदा भी डर जाएगा ना, मतलब लाइट कहाँ से? जी बिल्कुल, आप डरा भी सकते हो, मान लो अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं देखूं बाहर में क्या हो रहा है, हाँ। कोई मोशन नहीं हो रहा तो आपको अंधेरा दिखाई देगा, तो इसमें अलार्म का नोटिफिकेशन है। अच्छा, आप अलार्म जलाओगे तो कैमरे पे स्पॉट लाइट जलेगी जाकर, ये देखो ये आपकी स्पॉट लाइट आप चला सकते हो, काफी तेज है। हाँ जी, ये पूरी जलती रहेगी कि नहीं, ये बस ब्लिंक ही करेगी? ये पूरी जलेगी अगर आप जलाओगे आप अभी, हाँ। ये जैसे कलर में इसको हम इसको स्क्रीन पर अंधेरा होगा, हाँ। अंधेरा करने के लिए अभी तो यहाँ पे अंधेरा नहीं, जैसे हाँ। हम इसको अंधेरा करेंगे यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो अपने आप लाइट जल जाएगी। ओह ठीक है, मतलब रात को अपने आप जल जाएगा पूरा? हाँ जल गया, अभी कंटिन्यू जल रहा है, आपका कंटिन्यू जलेगा ये। ठीक है, हाँ काफी स्ट्रांग है ये, 12 मीटर तक आपको प्रॉपर क्लियर रिकॉर्ड करके देगा नाइट में। सही, और यहीं से आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकते हो। अच्छा, स्मार्ट पे भी कर सकते हो, कलर पे भी कर सकते हो। वो खुद कैमरा डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल। और एक सायरन वाला आप बता रहे थे, वो कैसे काम करता है? सायरन का सर ये रहेगा आपका इसमें कि दोनों में? दोनों में है सायरन। अच्छा, सायरन दोनों में। वो क्या काम आएगा हमारे
सायरन का अगर आप चाहते हो कि कैमरा लगा है मेरा, अगर इसके व्यूइंग एरिया में कोई आता है कैमरे पे भी सायरन आएगा, आपके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा अब ये सायरन आएगा तो ये आपका डिवाइस चल गया और ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे भी जाएगा। जिस समय आप नोटिफिकेशन ऑन करते हो तो ये अभी बजते रहेगा? जी बिल्कुल, जिस समय पर्सन आएगा तो ये डिटेक्ट करेगा तो ये सायरन देता रहेगा। अच्छा, इसके दो सायरन, इसको अभी हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, मीडियम में भी। अभी ये हाई किया था, अभी हाँ। ये आपका मीडियम रहेगा, ये बीप का आवाज। अच्छा, बीप करेगा। हाँ जी, तो मतलब काफी सिक्योरिटी के हिसाब से बनाए गए कैमरास, काफी अच्छे लगे मेरे को। मतलब पूरा दिमाग में सोच के बनाएगा कि भैया सिक्योरिटी के लिए ही चाहिए घर की। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिए चाहिए। आपके पास नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा, आप ऑन रखते हो ऑफ रखते हो, जैसा आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा इसका। अच्छा, बाय चांस कभी पावर आउटेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये अपने आप रीस्टार्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल, अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन नोटिफिकेशन ऑन करते हो, पावर जाएगा जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, कैमरा बोथ इज ऑफलाइन। अच्छा ताकि मेरे को पता चल जाए कुछ गड़बड़ हुई है, पता लग जाएगा आपको कि हाँ। पावर किस लिए कटा है, क्या पता किसी ने काट दिया हो कुछ। हाँ, हो जी बिल्कुल। तो ये रहेगा सर एयरटेल एक्सेप आई, ठीक है। यहाँ पर आपके तीन कैमरा भी हमने ऐड किए, तीनों कैमरा दिखाएंगे। पहले स्टिकी कैम के बारे में बात कर रहे हैं। जी ये स्टिकी कैम है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑन करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड होगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप फोटो ले सकते हो, ठीक है, ले पोज का रहेगा। हाँ। ये एचडी, इसको आप क्वालिटी यहाँ से प्लस माइनस कर सकते। अच्छा। ऑटो पे आप कर सकते हो, लो हाई मीडियम। अच्छा, आप फुल एचडी तक आपका जाएगा यहाँ, ठीक। वो इंटरनेट के हिसाब से वो सेट कर लेगा सर। ऑटो पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाई पे भी सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। और क्लाउड में तो स्टोर होते रहेगा, वो अलग है जी। क्लाउड का आपका ये वीडियो आ रहा है, ये आपका माइक का ऑप्शन मिल जाएगा इसमें कैमरे में। जो इंडोर कैमरे हैं दोनों, हाँ, में आपका माइक का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लो अगर आप कहीं बाहर हो तो हाँ, माइक आप प्रेस करके यहाँ से बोलोगे तो आपके कैमरे पे आवाज आएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएंगे आपका, ये साउंड का है वो नोट, ठीक है। उसके बाद हम सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। सेटिंग में ये आपकी होम स्क्रीन आती है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कैमरे को उल्टा लगा रहे हैं तो फ्लिप कैमरे का भी ऑप्शन आ जाएगा आपका। अच्छा। नाइट विजन आ जाएगा ये, ठीक है। स्टेटस लाइट, जो कैमरे के सामने ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, अच्छा, अगर आप चाहते हो तो इसको भी बंद कर सकते हो, ठीक है। ये ब्लू लाइट, ठीक है, ये आप बंद कर सकते हो स्टेटस, ठीक है। यहीं से आपको स्लीप मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, स्लीप मोड से आपको कैमरा जो हम पावर इंटरप्टेड पावर पे देंगे तो आप अपने मोबाइल के थ्रू बंद कर सकते हो। ओके, स्लीप मोड से, ठीक है, ठीक है सर। और उसके बाद में ये अबाउट आ जाएगा, ठीक है, कैमरे का अपडेट वगैरह आते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अपडेट होते आते रहेंगे। ये आपका मोशन सेंसिविटी, ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं इसको, थ्री लेवल पे, फोर लेवल पे, कहीं पे भी इसको। हाँ, ये मोशन मतलब कुछ भी हिलेगा विलेगा, हाँ, वो आएगा। अगर आप मोशन पे पर्सन पे जो भी रखते हो, अगर आपको जरा सा भी मूवमेंट चाहिए, जरा सा भी मूवमेंट का चाहिए तो हम हाई भी कर सकते हैं। जरा सा भी मूवमेंट होगा जब भी आपको रिकॉर्ड करेगा, बाकी मीडियम पे रखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कस्टम जूम। हाँ, ये क्या होता है? ये होता है, मान लो अगर आपका कैमरा पूरा एरिया कवर कर रहा है, हाँ, आपको सिर्फ ये आपको कवर करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप जितना सिलेक्ट कर दोगे इसको, उतना ही एरिया का आपका वीडियो बनाएगा इस बुक का। ये ऐसा होना चाहिए कि डिटेक्शन जोन मतलब ये हुआ कि इतने एरिया में कुछ हिलेगा तो बताएगा। जी बिल्कुल, इतने एरिया का बताएगा। हाँ, लेकिन कैमरा तो पूरा रिकॉर्ड करेगा। राम साउंड ये आपने बताया था, सायरन जो बजाया था। हाँ जी, जो सायरन अभी बजाया था। हाँ, मोशन अलार्म साउंड, इसको आप मीडियम कर सकते हो, हाई कर सकते हो, या तो बीप आएगा या फिर वो बजेगा। यहाँ पे बीप आएगा, यहाँ पे बजेगा, हमने करके दिखाया, बज रहा है। हाँ, ये आपका सिर्फ इंडोर कैमरा में, ये दोनों इंडोर कैमरा में, ठीक है। नोटिफिकेशन में आ जाएंगे, ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऑन करते हो, ये ऑन हो गया नोटिफिकेशन आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पर्सन डिटेक्शन पे आप रखते होगे, मोशन पे रखते होगे, अगर पर्सन पे रखते हो, कोई पर्सन आएगा तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको पर्सन पे रखना है या फिर मोशन पे रखना है, ठीक है। पर्सन पे आप रखोगे तो आपको पर्सन का वीडियो बना के देगा, ठीक है। मोशन पे आप सिलेक्ट करते हो तो मोशन पर्सन दोनों का वीडियो आएगा, ठीक है। यहाँ से आप डन कर सकते हो। ये आपका ऑफलाइन कैमरे का है, जैसे कैमरा अगर ऑफलाइन होगा तो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम अब वही होम पे आ गए, तो अब 360 का देख लेते हैं उसमें क्या अलग है। ये आपका 360 आ जाएगा, इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा है?
इसमें सर एक्स्ट्रा आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कोई बंदा मिल गया इसको तो उसको घूम घूम के पूरा दिखेगा। जी बिल्कुल, घूम के अगर आपको एक जगह पे लगा कोई बंदा कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, इसके वाइड एंगल में आ जाएगा, 130 डिग्री वाइड एंगल जो है यहाँ पे आएगा। अगर आप ट्रैकिंग ऑन कर देते हो कैमरे के, उसको जहाँ देख लिया तो वो पकड़ के घूमेगा। जी बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग कैमरा आपका घूमता रहेगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से स्क्रीन से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीन से भी घुमा जी, आप डाउन भी कर सकते हो आप। ठीक, यहाँ से आपका ये बढ़िया अच्छे से घूमेगा। हाँ, ये आपका सेम वही रहेगा, यहाँ पे जो रिकॉर्ड करते हो आपके फ़ोन में रिकॉर्ड होगा। एक्स्ट्रा क्या है इसमें? एक्स्ट्रा वही एक आपका ऑप्शन मिलता है आपको ट्रैकिंग का। हाँ, बस वही ट्रैकिंग का ही है। हाँ, ट्रैकिंग का रहेगा, बाकी सेम। और आप बस घुमा के देख सकते हो? हाँ, घुमा के देख सकते हो, पूरा 360 व्यू मिलेगा। ठीक, 360 कैमरा में एक्टिव दिखाएं बाहर वाला। ये एक्टिव डिफेंस कैमरा आ जाएगा आपका। सेम इसमें ऑप्शन रहेगा सर, इसमें आपका ये अलार्म का ऑप्शन रहेगा। नाइट में अगर आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप अलार्म जला करके वहाँ पर चेक कर सकते हो। अच्छा, तो ऐसे फ्लैश लाइट मारेगा। जी बिल्कुल, फ्लैश लाइट मारेगा आपका। ठीक है, इसका माइक बंद, माइक बंद। ये तो माइक ऑन रखेंगे तो आपको सुनाई देगा कि क्या बोल रहा है। जी बिल्कुल, ऑडियो वीडियो दोनों आपको रिकॉर्ड करेगा। हाँ, अगर आपका बाहर उस एरिया में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों रिकॉर्ड करेगा आपको ऑडियो वीडियो। यहाँ पे सेटिंग में आ जाएंगे। ये आपका जैसे नाइट विजन का रहा, ठीक है, स्लिप कैमरे का स्लिप मोड। हाँ, वो तो सेम है पहले का, सेम है आपका, स्टेरियो लाइट का सेम है। ये आपका है नाइट विजन, आप ब्लैक एंड व्हाइट करते हो तो आपका लाइट नहीं जलाएगा कैमरा, कलर पे करते हो आपका लाइट जलाएगा, स्मार्ट पे करते हो आप तो ये देखेगा जहाँ लाइट जरूरत है। जी, स्मार्ट स्विच ना, 15 मीटर बोला ना आपने, ये 12 मीटर तक, 12 मीटर तक। ठीक है, बिल्कुल 12 मीटर तक आएगा नाइट में, 12 मीटर नाइट में, दिन में आपका 30 मीटर तक आएगा, दिन में 30 मीटर। जी, उसके बाद में आप अगर होम पे आते हो, कैमरे जैसे 3, 4, 5 कितने भी कैमरे लगे हैं आपके, तो आप वीडियो में जाओगे, यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो। अच्छा, फिल्टर करके अभी तो आपकी डेट वाइज आ जाएगी वीडियो, किस डेट की आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, उसके बाद आप फिल्टर पे जाओगे। हाँ, अभी जैसे यहाँ पे हमने नाम डाल रखे हैं, किस नाम का मुझे देखना है, जिस रूम का देखना होगा, जिस नाम का कैमरे का देखना होगा वीडियो, वहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने कैमरे का नाम रख दिया। हाँ जी, कैमरे का जो नाम रखोगे आप उसको बोलेंगे आप, ये अब उसी कैमरे का वीडियो आएगा आपको यहाँ। क्या एक एक मिनट का रिकॉर्ड करता है ये? मोशन वेस्ट, जितने देर का मूवमेंट हो रहा होगा आपका उतना देर का रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, मान लो वहाँ पे अगर 10 मिनट का मूवमेंट हो रहा है, 10 मिनट का क्लिप बनाएगा, 5 मिनट हो रहा 5 मिनट, 2 मिनट हो रहा 2 मिनट का, इतना वैसे तो कंटिन्यूस रिकॉर्ड करते रहेगा। नहीं, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग नहीं होगी आपकी, मोशन वेस्ट पे रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, तो ये सेटिंग में होता है ऐसा कुछ होता है? ये सर सेटिंग में ही है। मेरे को चाहिए कंटिन्यूस चाहिए रिकॉर्डिंग, कंटिन्यूशन नहीं करते, मोशन वेस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं आपका। ओके, क्योंकि H.265 कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है इसमें। हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो आपका डाटा है वो 50% लेता है, जो आपका स्पेस रहता है वीडियो का वो 50% लेता है, और 7 डेज में अपने आप डिलीट होकर नया लगते रहता है। जी बिल्कुल। और बताइए ऐप के बारे में कुछ और? ये है बाकी आपका नेक्स्ट टाइम रिन्यू करने के लिए आपका कैमरा तीनों यहाँ पे शो करेंगे। अच्छा, तो पर रिन्यू इन एडवांस, यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन वगैरह सब। जी बिल्कुल, यहाँ से आपके डिवाइसेस शो करेंगे, कितने डिवाइसेस आपने आपके यहाँ पे शो कर रही हैं। ठीक है, जितने आपके डिवाइसेस होंगे ये सारे डिवाइसेस आ जाएंगे कैमरे आपके। सो उम्मीद है गाइस आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, एंड आपके लिए कुछ अलग से डिफरेंट वीडियो लेके आया। सो आपको अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा, और कमेंट में जरूर अपने फीडबैक देके जाइएगा, ताकि हम इंप्रूव करते रहें, आगे भी और हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। सो दैट इज दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर देना, वीडियो अच्छे लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।